इस साल होने वाली एशेज सीरीज से इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर चोटिल होने की वजह से बाहर हो गए हैं। आर्चर के बाहर होने को इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर ने भी दावा किया कि इंग्लैंड की टीम को एशेज सीरीज में आर्चर की कमी खलने वाली है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज 16 जून से शुरू होने जा रही है, जो कि ऑस्ट्रेलियाई टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तुरंत बाद खेलने वाली है। आपको बता दें कि आर्चर अपनी दाहिनी कोहनी में स्ट्रेच फ्रैक्चर के दोबारा होने की वजह से अगले कुछ महीनों तक क्रिकेट के मैदान से दूर रहेंगे, और इसीलिए आर्चर ने इस साल आईपीएल में मुंबई इंडियंस को भी बीच टूर्नामेंट में छोड़ के अपने देश लौट गए थे। आर्चर ने मार्च 2021 के बाद से इंग्लैंड के लिए कोई टेस्ट नहीं खेला है। लगभग 2 साल तक कोहनी और पीठ की चोट से जूझने के बाद इस साल की शुरुआत में आर्चर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी। बॉर्डर ने कहा, आर्चर ने पिछली सीरीज में हमारे लोगों को काफी परेशान किया था, इसलिए वह इंग्लैंड के लिए एक बड़ा झटका है। उस एक्स फैक्टर गेंदबाज का बाहर होना ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा नहीं है, जिसके बारे में आप यह जानते हैं कि वह विपक्ष को परेशान करने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रैक क्या है, उनके पास वह तेज गति है कि कोई भी उनका सामना करना पसंद नहीं करता। आपको बता दें कि आर्चर ने इंग्लैंड में 2019 एशेज में अपना टेस्ट डेब्यू किया था, जिसमें 20.27 की औसत से 22 विकेट लिए थे। बॉर्डर ने कहा, यह वास्तव में इंग्लैंड के लिए एक बड़ा झटका है। वह एक ऐसा गेंदबाज है जो अपने दम पर श्रृंखला जिता सकता है। वह उन रोमांचक गेंदबाजों में से एक है जिसका आप सामना करना नहीं चाहते, खासकर इंग्लैंड में। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने 2001 के बाद से इंग्लैंड में एशेज श्रृंखला नहीं जीती है, जबकि बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली टीम 2015 के बाद अपने घर में एशेज सीरीज फिर से हासिल करना चाहेगी। आखिरी बार इंग्लैंड ने अपने घर में 2015 में एशेज श्रृंखला जीती थी, जिसके बाद 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड में एशेज खेली, जो कि 2-2 के परिणाम से ड्रॉ हो गई थी। एशेज के वेन्यू को बताएं तो एजबस्टन में पहले एशेज की मेजबानी के बाद बाकी के टेस्ट लॉर्ड्स हेडिंगले, ओल्ड ट्रैफोर्ड और द ओवल में खेले जाएंगे। पिछले एशेज सीरीज की बात करें, जब इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, वहां ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर में इंग्लैंड को 4-0 से हराया था, और अब इंग्लैंड भी अपने घर में उस हार का बदला लेना जरूर चाहेगी। लेकिन जोफ्रा आर्चर का टीम में ना होना इंग्लैंड की मुश्किलों को जरूर बढ़ा सकता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर इंग्लैंड इस समस्या से कैसे जूझती है।